गाइस केन्या के रहने वाले पैट्रिक कोलोंजो मावालुआ ने जब देखा कि सूखे की वजह से जानवरों को पानी नहीं मिल पा रहा और ये जानवर बेचारे प्यास से मर रहे हैं, तो उन पर ये चीज़ देखी नहीं गई और सन 2016 में उन्होंने एक वाटर ट्रक किराए पर लेकर 70 किलोमीटर दूर से पानी लाकर वहाँ एक तालाब में छोड़ना शुरू किया। ये काम मावालुआ दिन में 5 बार करते थे, मतलब वो अपने खर्चे से डेली 700 किलोमीटर ट्रक चलाते और पानी का भी खर्चा देते। लेकिन उनका ये प्रयास धीरे धीरे लोगों को भाने लगा और लोग उनको इस प्रयास के लिए डोनेशन देने लगे और उन्होंने डोनेशन दिए गए पैसे से वहाँ पर पक्के 25 तालाबों का निर्माण करा दिया है, जिससे वहाँ रहने वाले जानवरों को साल भर पानी मिल सके। तो इसीलिए मावालुआ को वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है। गाइस आपके दिमाग में एक क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर आता होगा कि आखिर ये एरोप्लेन एवरेज कितना देता है। तो अगर बोइंग 747 एरोप्लेन की बात की जाए तो ये पर सेकंड 4 लीटर ईंधन की खपत करता है, मतलब 1 मिनट में 240 लीटर और 1 घंटे में 14,400 लीटर ईंधन चाहिए इसको चलने के लिए। मान लीजिए अगर इसको दिल्ली से मुंबई की यात्रा करनी है टोटल 1200 किलोमीटर की, तो इसको 28,800 लीटर ईंधन चाहिए इतनी यात्रा करने के लिए। लेकिन गाइस ईंधन की खपत के हिसाब से इसमें फ्यूल टैंक भी लगा रहता है। अगर इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात की जाए तो 238,840 लीटर फ्यूल इसमें एक बार में फिल हो सकता है। तो गाइस आपने देखा होगा कि गाड़ी चाहे छोटी हो या बड़ी, सस्ती हो या महंगी, सबके टायर्स काले रंग के ही होते हैं। जब टायर रबर के बने हुए होते हैं तो ये काले रंग के क्यों होते हैं? वैसे अगर रबर को रियल फॉर्म में देखा जाए तो इसका कलर लाइट ग्रे होता है, लेकिन इस रबर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए इसमें सल्फर और कार्बन को मिक्स किया जाता है, जिससे ये टायर मजबूत हो जाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर टायर की रबर में सल्फर और कार्बन को मिक्स ना किया जाए तो बना हुआ टायर सिर्फ 8,000 किलोमीटर ही चल पाएगा, और जब इसमें सल्फर और कार्बन को मिक्स कर दिया जाता है तो ये टायर लगभग 1,00,000 किलोमीटर तक चलता है। तो गाइस ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गाइस बहुत सारे लोग समझते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी में कोई प्लास्टिक यूज़ होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल प्लास्टिक सर्जरी में जो प्लास्टिक वर्ड है वो ग्रीक के प्लास्टिको शब्द से आया है, और जिसका अर्थ होता है बनाना या तैयार करना। तो अगर प्लास्टिक यूज़ नहीं होता तो आखिर यूज़ क्या होता है? तो शरीर के एक हिस्से से कुछ टिश्यूज को लेकर दूसरे हिस्से पर लगा दिया जाता है, यही है प्लास्टिक सर्जरी। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी बहुत सारी चीज़ों में बहुत मददगार है। बहुत सारे लोग इसको सुंदरता बढ़ाने के लिए तो यूज़ करते ही हैं, उसके अलावा कुछ जन्मजात बीमारियां होती हैं जिनके इलाज में उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जल गया, उसकी स्किन ख़राब हो गई, तो उसको भी सही करने में, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया वहाँ पर उसका फेस या उसकी स्किन ख़राब हो गई है, उसको सही करने में प्लास्टिक सर्जरी का यूज़ किया जाता है। गाइस मूवीज़ देखना किसको पसंद नहीं होता, लेकिन आपने मूवीज़ देखते टाइम महसूस किया होगा कि बहुत सारी बिल्डिंग्स एकदम से गिर पड़ती हैं, और हॉलीवुड मूवीज़ में तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि एक नहीं दो नहीं कई सारी बिल्डिंग धड़ाधड़ गिर रही हैं। और उस पर भी आपने देखा होगा कार के एक्सीडेंट्स तो अंधाधुंध होते हैं, लेकिन क्या किसी फिल्म के किसी सीन को शूट करने के लिए इतनी सारी बिल्डिंग्स को या इतनी सारी कार्स को तोड़ा जाता होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जब फिल्म शूट होती है तो ग्रीन स्क्रीन के सामने उसका जो मेन हीरो है, मेन विलन है, उसके रोल को शूट कर लिया जाता है, और बाद में कंप्यूटर पर CGI और VFX की मदद से वो सीन क्रिएट कर दिए जाते हैं और हम लोगों को मूवी देखने में मज़ा आ जाता है।